हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस नए वीडियो में आप सबके लिए शानदार अपडेट लेके आए यूपी NHMCHO। दोस्तों 4761 कैंडिडेट्स को जल्द ही ज्वाइनिंग, और आप सबको पता है CCH का एग्ज़ाम हो चुका है। और जो कैंडिडेट्स कमेंट्स करके पूछ रहे थे बार बार वेटिंग का क्या अपडेट है, दोस्तों NHMCHO की वेटिंग का क्या अपडेट रहेगा 5505 की वेटिंग का। उसके साथ में आपको मैंने पहले ही बता रखा था दोस्तों, सभी जगह जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोजीशन अच्छी हो रही है। उसी के साथ में यूपी में भी जो है CHO के वेतन में इंक्रीजमेंट, यानी इंक्रीजमेंट नहीं कह सकते दोस्तों, सैलरी का जो बढ़ने की बात कही गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो चलिए देख लेते हैं पहले दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और ये शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया था। डियर साथियों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता रखा था, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो 4 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाया जा रहा था उसका यहाँ पे जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। और उसमें जो कैंडिडेट्स शामिल थे, 4761 कैंडिडेट्स शामिल थे, ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा था। लेकिन जो दोस्तों देखिए वेटिंग की जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, वेटिंग का फंडा सीधा सीधा ये है, अभी जो रिज़ल्ट आएगा आपका 23 को रिज़ल्ट आ जाएगा CCS एग्ज़ाम वाला। अब उसमें से कितने कैंडिडेट्स रह जाते हैं, देखिए सब सेंटर पर ज्वाइनिंग देना ज़रूरी है। ये ऊपर से आदेश आए हुए थे कि हर एक सब सेंटर जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बने हुए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन पे हर एक सेंटर पर एक CHO पोस्टेड होना ज़रूरी है। अब जो कैंडिडेट्स, देखिए इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्सों ने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, और बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में भी रह सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा था। तो उसके चलते यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है 100% ही कि वेटिंग 100% निकल जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दोस्तों पोस्टों को खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसके अकॉर्डिंग वेटिंग आ सकती है। दूसरी बात, जो सैलरी की बात मैंने आपको पहले ही बताया था और अब की बार भी देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इनकी जो ज्वाइनिंग की जा रही है, इन्हें 40,000 प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। 4 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए KGM की मदद से 104 अध्ययन सेंटर जो चलाए जा रहे थे, ठीक है, अभी 9684 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स तैनात हैं। आगे जो नए भर्ती होने पर इनकी संख्या बढ़ाकर 14,445 हो जाएगी। बाकी पदों को भी ट्रेनिंग देकर भरा जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं, संक्रामक रोगों से बचाव व डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि रोगों की स्क्रीनिंग और संजीवनी पोर्टल से टेली मेडिसिन की सुविधा भी दी जा रही है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो साथियों, जो कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे वेटिंग का दोस्तों ये कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ तक है जल्दी ही आपका जो है पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी बात, जो अभी आपका रिज़ल्ट आएगा 23 को CCS एग्ज़ाम वालों का, उसके बाद में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ज्वाइनिंग उसके साथ में ही आ सकती है, ज्वाइनिंग के लिए साथ में इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, और बाकी का जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको जानकारी मिल जाएगी। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगी सबसे पहले आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।